नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम फिर से नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो आज नए रेसिपी हम बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे ये भी हम बता देते हैं। आप वीडियो को अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो अच्छे लगते हो आप लोग के, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, आलू और सूजी से बहुत बढ़िया सुबह के टेस्टी नाश्ता, भंडोला नाश्ता बनाने वाले हैं। तो हमारा आलू है, छील के ले लिए हैं आलू को, अच्छे से पानी में भिगो के रख दिए थे। सूजी भी दिखा देते हैं कितना लिए है सूजी। एक कप हमने सूजी लिए है, हरी मिर्च लिए हैं काट कर, अगर कुछ कड़ी पाता है इसको टुकड़ा टुकड़ा में काट लिए हैं। अब आलू हम एक उठाते हैं इसमें से, ऐसा मोटा वाला से चाहे पतला वाला से, हम मोटा वाला से कर रहे हैं कद्दूकस। आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए ऐसा ही हम कद्दूकस सभी आलू को अच्छे से कर लेते हैं। ऐसा ही कर लेंगे सभी आलू को, इसे साइड में रखते हैं, बता देते हैं। और हम अब पानी लेंगे, पानी में तुरंत आलू डालते जाएंगे कि जो आलू है हमारा काला ना पड़े, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। तो ऐसा ही हम इसको साइड में रखते हैं, ऐसा ही पूरा कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये लीजिए पूरा आलू कद्दूकस कर लिए, इसको हम दो चार पानी धोकर पूरा इसमें के स्टार निकाल लेंगे, अच्छे से पूरा साफ दिखने लगेगा। ये एक मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ते हैं भिगो कर, जितना इसमें की स्मेल है पूरा निकल जाए अच्छे से। तो इसको अच्छे से दो तीन पानी अच्छे से साफ कर लिए हैं, फिर से दूसरा एक पानी में भिगो कर रख दिए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। गैस पर कढ़ाई रख लिए हैं, अब इसमें हम तेल डाल लेते हैं 3 चम्मच के करीब। बढ़िया से तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं पहले। तेल को गर्म होते हम, तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल लेते हैं। जीरा बढ़िया चटक गया। हरी मिर्च दरदरा कूटा हुआ, लहसुन अच्छे से करते हैं मिक्स इसको। कुछ कड़ी पत्ता बढ़िया से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जीरा और गोल मिर्च पाउडर अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिए। अब जिस कप से हम सूजी नाप के ले रहे हैं उसी कप से 2 कप इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप हो गया, दूसरा कप बढ़िया से पानी को उबालेंगे अच्छे से चलाते हुए। और स्वाद अनुसार 1/2 बड़ा चम्मच हम नमक को डाल लेते हैं, अच्छे से करते हैं मिक्स। ये नाश्ता सुबह के लिए बहुत टेस्टी रहता है, ज़रूर बनाकर आप लोग खाइएगा भंडोला नाश्ता। अब इसी में देखिए पानी हमारा उबल रहा है,
जो आलू कद्दूकस करके रखे हैं उसको अब इसमें हम डाल लेते हैं। बढ़िया से डालकर एक मिनट के लिए पका लेते हैं। आलू जल्दी बारीक है, पूरा कद्दूकस किए हैं तो सॉफ्ट हो जाएगा आलू हमारा जल्दी पूरा। आधा चम्मच के करीब मिर्ची पाउडर को डाल लेते हैं और बढ़िया से चलाते हुए इसको भी मिला लेते हैं। और टेस्टी बनाने के लिए हम कस्तूरी मेथी ले रहे हैं। सूजी को डालकर इसको डाल लेते हैं, सूजी को डाल डाल कर चला लेते हैं। हल्का हल्का डालना है, एक बार नहीं डालना है। चलाते हुए इसको मिला लेते हैं। अच्छे से कर लिए इसको मिक्स। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, तभी तो हाथ से गोला बनाएंगे, नहीं तो गर्म है हाथ से गोला नहीं बन पाएगा। जैसे ठंडा हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होना नहीं चाहिए। अभी इसको अच्छे से चलाते हुए उतार लेते हैं नीचे। हम पूरा मिक्सरन को निकाल लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा गर्म है। अब लेते हैं हाथ से पूरा दबाते हुए इसको अच्छे से गोला हाथ में बना लेते हैं, तभी तो ये बोलता है भंडोला नाश्ता। अच्छे से दबा कर इसको देखिए पूरा तो ऐसा ही पूरा हम बना लेते हैं। रखते हैं एक बर्तन में हम इसमें पूरा देखिए बना लिए सभी गोला को अच्छे से। अब इसको चलते हैं हम फ्राई करने। तो इसमें से आप निकाल कर आधा रखिए, चाहे पूरा बनाइए। ओके, मन करे तो फ्रिज में रख देंगे तो पूरा हफ्ता भर इसको तल तल कर खाएंगे, ख़राब नहीं होता है। गैस का कढ़ाई रख कर तेल रख लिए हैं गर्म होने के लिए। बढ़िया तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल लेते हैं। पूरा इसे ही डालकर फ्राई करेंगे अच्छे से। पूरा बढ़िया से फैला कर डाल लिए हैं। अब इसको धीरे धीरे टच करेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो जो है सूजी नरम होती है, कट लग जाएगा तो भी इसे फट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। एक बगल से सिकने देते हैं अच्छे से सुनहरा, उसके बाद से हम पलटेंगे इसको। एक बाजू से बढ़िया सुनहरा हो गया है, अब इसको आराम से पलट लेते हैं। बहुत टेस्टी नाश्ता है, ज़रूर बनाकर एक बार खाइएगा आप लोग। बच्चों लोग को तो बहुत पसंद है ये नाश्ता, टिफिन में आप दे सकते हैं बनाकर स्कूल में बच्चों लोग के लिए। झटपट बन जाता है नाश्ता, फटाफट, देर नहीं लगता है बनाने में इसको। अच्छे से कर लेते हैं पूरा सुनहरा गोल्डन करेंगे इसको फ्राई। तो ले लीजिए पूरा बढ़िया सुनहरा, इसको फ्राई कर लिए। अब हम निकाल लेते हैं एक जारा से, अच्छे से निकाल लेते हैं इसको। तो ये देखिए पास से दिखा रहे हैं कितना बढ़िया क्रंची क्रिस्पी दिख रहा है। तो इसको एक हम बर्तन में रख लेते हैं। तो इसमें हम रख लेते हैं प्लेट में। अब दूसरा भी ऐसा ही हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसको भी। इसको भी अच्छे से पूरा नीचे से सुनहरा हो गया है, पलट लेते हैं आराम से। पलट लिए, यकीन मानिएगा बहुत ही नाश्ता टेस्टी है।
झटपट बन के तैयार होने वाली भंडोला नाश्ता ज़रूर बनाकर एक बार खाइएगा आप लोग। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा भंडोला और नाश्ता वाला रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए हम फ्राई कर लेते हैं इसको अच्छे से, पूरा अच्छे से कर लिए इसको भी फ्राई, निकाल लेते हैं इसको भी। गैस को बंद कर लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए पूरा भंडोला नाश्ता तल लिए अच्छे से, दिखा देते हैं चम्मच से। तो ये देखिए कितना क्रंची क्रिस्पी ये बना है। तो इसको चटनी के साथ हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता पूरा तैयार है चटनी के साथ, एक आपको हम सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए चटनी के साथ इमली की चटनी है, ऐसा ही डुबाई है, निकाल कर आप खाइए बढ़िया लगेगा ये। तो ऐसा ही खाना है चटनी में डूबो कर। तो ये लीजिए पास से दिखा रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, चटनी है हमारा इमली की चटनी, ये हमारा भंडोला नाश्ता है सुबह के टेस्टी नाश्ता, बहुत बढ़िया नाश्ता, क्रिस्पी नाश्ता। अगर दोस्तों मेरा ये भंडोला वाला रेसिपी आप लोग के पसंद आई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी भंडोला वाला रेसिपी नाश्ता वाला आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।